हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी संविदा कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम आप सभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और फ्रेंड्स विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है इस बात का जो है अनाउंसमेंट भी किया जा चुका है कि मेरी सरकार सत्ता में आते ही जो है आप सारे लोगों को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री द्वारा जो है इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार क्यों ना बने, लेकिन हम जो है अपने राज्य के जो भी संविदा कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को जो है परमानेंट करेंगे, चाहे पंचायत सहायक हो, शिक्षा मित्र हो, चौकीदार हो, आशा हो, रोजगार सेवक हो, अनुदेशक हो, पीआरडी हो, परिचालक हो, आंगनवाड़ी हो, नर्सिंग कर्मी, परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारी हो, या शिक्षा विभाग के हो, या जल जीवन मिशन के कर्मचारी हैं, या बैंक विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं, तो इन सारे लोगों को जो है परमानेंट करने की बात की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आज तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा न्यूज स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नियमितीकरण की राह देख रहे संविदा कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, आचार संहिता खत्म होते ही खुलेगा खुशियों का पिटारा। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी, यानी कि चुनाव के जस्ट बाद ही जो है इन सारे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होना शुरू हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 31 मई को जो है इस संबंध में न्यूज भी जारी कर बता दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, इसके बारे में जो है पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स अभी जो है 31 मई को फिर से जो है इसके बारे में सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, पूरा न्यूज जो है आप सभी लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ कि संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी से कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी कई बार सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हालांकि कई राज्यों की सरकारों ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिसके तहत जो है कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना सरल हो रहा है, लेकिन इसी बीच जो है नियमितीकरण आस में बैठे संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर जो है ये सारे संविदा कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, तो आगे लिखा हुआ है कि आचार संहिता खत्म होते ही खुलेगा पिटारा। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ देने जा रही है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है और आचार संहिता खत्म होने के साथ ही आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि फिलहाल संविदा कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन का भुगतान किया जाता है, उन्हें किसी प्रकार के भत्ते नहीं दिए जाते हैं। साथ ही जो है संविदा कर्मचारियों की सैलरी में से किसी प्रकार की कटौती भी नहीं की जाती है, लेकिन अब सरकार ने जो है संविदा कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे में लाने का फैसला कर लिया है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये चीज स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भी संविदा कर्मचारी हैं इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। इसके साथ में जो है इन लोगों का जो भी मानदेय मिलता है इसमें से जो है कुछ पैसे जो है काट लिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इन लोगों को जो है एनपीएस का लाभ मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे आप लोग रिटायर होंगे या आप लोगों का जो भी समय अवधि है कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में जो एक मुश्त धनराशि आप लोगों को दी जाती है वही धनराशि जो है आप लोगों को एनपीएस के रूप में लास्ट में दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सरकार का इशारा जो है इस तरफ भी दिख रहा है कि इन सारे लोगों को जो है भत्ता वगैरह भी देने की बात की जा रही है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया था इस संबंध में आश्वासन, भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दे दिया गया था। बता दें कि राज्य की बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की बात कही थी। इससे पूर्व जो है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ देने का आश्वासन दिया था। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इस बात का जो अनाउंसमेंट है ये पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है इनके द्वारा भी कहा गया था, लेकिन फ्रेंड्स बीजेपी सरकार द्वारा भी जो है इस नियम को लागू करने की बात की गई है। फिर आगे लिखा हुआ है कि अब जो है वित्त विभाग ने इस संबंध में पूरी तैयारी भी कर ली है। आचार संहिता समाप्त होते ही सभी संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में
लाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। फिर आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम एक स्वैच्छिक अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने जो है आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता दिया कि एनपीएस का मतलब ही होता है, जैसे कि आप लोग का जब सेवानिवृत्ति होगा यानी कि जब आप लोग रिटायर होंगे तो ये जो आप लोगों के मानदेय से पैसा कटता है, यही जो है लास्ट में आप लोगों को जो एक मुश्त धनराशि के रूप में मिलता है, इसी को जो है एनपीएस कहते हैं। यह है कर्मचारियों के हित के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना को एनपीएस के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत कर्मचारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए के तहत जो है सीआर के साथ एक खाता खोलता है। इसकी पहचान एक विशेष नंबर से की जाती है। यानी कि फ्रेंड्स अब जो है ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है और यहाँ की राज्य सरकार द्वारा जो है ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कह भी दिया गया है कि केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार बने लेकिन आचार संहिता खत्म होते ही जो है इन सारे संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, इन्हें जो है एनपीएस का लाभ मिलेगा। और जो भी भत्ता वगैरह होता है, जैसे त्यौहार भत्ता हुआ या यात्रा भत्ता हुआ या बोनस वगैरह हुआ, इन सारी चीज़ों का लाभ जो है इन सारे लोगों को मिलेगा। और इस संबंध में जो है आचार संहिता खत्म होने के बाद आदेश भी जारी कर दिया जाएगा और वित्त विभाग द्वारा जो है इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के संबंध में जो है आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नया टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।